हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति गणराज और अभी फिलहाल मैं हूँ नागपुर की सड़कों पे और अभी मैं जा रही हूँ जाफरनगर होते हुए गांधीबाग साइड। आपको पूरा नागपुर में ईद का माहौल क्या है वो दिखाना तो बनता है। और एक नजर डालिए इस पूरे सरफेस पे जो कि पूरा ईद के रंग में रंग चुका है हमारा नागपुर। यहाँ से स्टार्ट करते है, ये है जाफरनगर स्क्वायर और यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन किया हुआ है। बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हुई है, पुलिस बंदोबस्त भी अच्छा खासा है और ये जो रोड है वो आगे से बंद कर दिया था। देन मूव करते हैं सदर की ओर। सो ये मैं सदर के प्रेमाइसिस में हूँ। ये सदर का हल्दीराम का एकदम मेन स्क्वायर सदर का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रौनक बहुत ज्यादा है, साथ ही में यहाँ पे भी खाने की फैसिलिटी वगैरह रखी हुई है। अब मूव करते हैं गांधीबाग साइड। सो ये रोड जो कभी शांत नहीं रहता है वो रोड आज पूरा शांत है। आप देख सकते हो राम झूले का रोड है और देखो यहाँ से जो है पुलिस ने जाना आगे मना कर दिया है। यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे में जो है वो बहुत ज्यादा रश है। वो क्या कुछ है वो तो आप आगे वीडियो में देखेंगे ही। यहाँ आप देख सकते हो पुलिस सबको मना कर रही है यहाँ से नहीं जाना करके। तो आप यहाँ से टर्न लेके ब्रिज के ऊपर से जा सकते हो लोहा पुल होते हुए। और मैं फिर से लोहा पुल होते हुए आ गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ज्यादा रश जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है मेन। और ये मैं देख के शौक हो गई, इससे पहले मैंने ऐसा प्रीमाइसिस कभी नहीं देखा था नागपुर में, क्योंकि ईद के दिन में जनरली बाहर नहीं निकलते हम घरों से। ईद पे जनरली गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, दैट्स वाई। पर आज संडे के दिन ईद आ गई है और अब घर बैठे ईद नागपुर में कैसे सेलिब्रेट होती है वो देख सकते हो। और हाँ, आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में एक लाइक तो बनती है फॉर दिस वीडियो। जो भी यहाँ पे रैली में लगे हुए हैं उन सब के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना बन रहा है। हर कोई यहाँ पे फ्री में खाना खा सकता है बहुत सारे, और ये हर थोड़ी दूरी पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा रश और इतनी ज़्यादा पब्लिक ईद के दिन पे मैं पहली बार नागपुर में देख रही हूँ। और आप में से भी बहुत लोगों ने ये सिचुएशन अभी तक के नागपुर में देखे नहीं होंगे। और यहाँ पे जो है ये फवारा स्क्वायर पे कुछ इस तरीके का पेंडोल लगा हुआ है और आगे में जो है वो एक पूरा मंच रेडी किया गया है। साथ ही में यहाँ पे आप खाना देख सकते हो, कितना ज्यादा खाना यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में पक रहा है। और ये पूरी गलियां हमारे गांधीबाग साइड की है। बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन है, पुलिस बंदोबस्त भी है, सब कुछ है यहाँ पे। एक अच्छा ईद का माहौल क्रिएट हुआ है हमारे नागपुर में। और ये सारी पब्लिक जो है जो यहाँ लगी हुई है गांधीबाग में, ये सब रैली से मोमिनपुरा साइड जाने वाला है, क्योंकि हमारे नागपुर में मोमिनपुरा एक परफेक्ट जगह है इन सब प्लेसेस के लिए। दिस इज फवारा स्क्वायर। आप देख सकते हो पूरा जो राम झूला है वहां से लेके यहाँ तक के जो सिचुएशन है वो ऐसी ही बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। इसके आगे है सेवा सदन स्क्वायर और सेवा सदन स्क्वायर पे भी एक यूथ सा पेंडोल बना हुआ है जिसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया एक मंच रेडी किया गया है। चलते हैं एक न्यू प्लेस पे जो कि है हमारा शुक्रवारी तलाव। और शुक्रवारी तलाव पे भी एक बहुत ही अच्छा सा कुछ बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो लेट्स गो देयर। ये है शुक्रवारी तालाब का एरिया और आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितना अच्छा सा यहाँ पे एक सरफेस रेडी किया गया है। आई थिंक यहाँ से जो रैली है वो सुबह निकली थी, इसलिए ये प्रीमाइसिस भी एक अच्छा सा डेकोरेटिव किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे भी जो लंगर की सेवा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना है वो मिल रहा है। अब पूरी गलियों से देखते हैं क्या मेन रोड पर रौनक बनी हुई है। हर तरफ आपको रोड जो है वो बंद मिलेंगे, पुलिस बंदोबस्त है हर जगह, सिर्फ आपको पब्लिक ही पब्लिक मिलेगी। देन और आगे चलते हैं और ये पूरा गांधीबाग का एरिया देख लेते हैं। ये अग्रसेन स्क्वायर और यहाँ पे भी आप रश देख सकते हो, हर तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ रश मिलेगा।
वाव, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सा यहाँ पे बना हुआ है कबूल कधार, आई थिंक सो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, जश्न ईद मिलाउद्दीन 2022। और ये जो है वो आपको गांधीबाग साइड से जैसे आप टर्न लेते हैं शुक्रवारी तालाब के लिए, उस एरिया में आपको ये मिल जाएगा। परफेक्ट, बहुत अच्छा सा बना हुआ है। यहाँ पे आपको नागपुर में जो भी प्लेसेस है रिगार्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी वो इसमें कवर हुई है, जैसे बड़ा ताजबाग हो गया, छोटा ताजबाग हो गया, गीरट का दरगाह हो गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ में यहाँ पे ये पूरा लगा हुआ है। आप दोनों साइड में देख सकते हो कितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा प्रीमाइसिस में। सो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, जिसमें इंफॉर्मेशन के साथ में पिक्चर्स के साथ में ये प्रेजेंट किया हुआ था, ये कुछ अलग हटके था। साथ ही में यहाँ पे साइड में जो फिर से खाना जो है वो बट रहा है। और अभी चलते हैं वापस हमारे गांधीबाग साइड। सो हर स्क्वायर पे आप देख सकते हो रौनक बनी हुई है। आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जो भी मेरे मोमेडियंस सब्सक्राइबर है उन सभी को ईद मुबारक हो। That's all about my today's video. I hope so friends आपको ये video अच्छा लगा हो। So मिलती हूँ आपसे next video में। Till then अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। And हाँ, wish you happy Eid to you all।